हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन पेज। दोस्तों, ये एक सैम्पल फ्लैट है, विभूति खंड में प्रोजेक्ट है, पहले का पुराना बना हुआ पार्श्वनाथ प्लैनेट। उसमें ये 1775 तकरीबन स्क्वायर फिट का है ये फ्लैट, जो सुपर एरिया है इसका 3 BHK साइज़ है। और देखिए, इस तरह से यहाँ से एंट्री है, ये आपका पैसेज है, फिर आने के बाद ये आपका लिविंग एरिया है, बना हुआ है लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया के साथ देखिए बालकनी है। बालकनी आप देखेंगे तो बालकनी जो फेस कर रहा है, ये आपका सामने शहीद पथ है। और ये किचन है, इस तरह से किचन बना हुआ है, मॉड्यूलर किचन का कबर्ड वगैरह बना हुआ है, चिमनी नहीं लगी हुई है इसमें। इस तरह से आपका किचन मिलता है, स्पेसियस है किचन। किचन के साथ ही अटैच बालकनी है, जो जिसे हम यूटिलिटी बालकनी भी कहते हैं, मल्टीपर्पज़ बालकनी होती है, इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा सकते हैं, या मेड है उसको काम करने के लिए कोई जगह चाहिए तो आप ये जगह यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आपका सामने डाइनिंग एरिया हो गया। ये लगभग 11x11 का पड़ता है, सॉरी 12x11 का पड़ेगा डाइनिंग एरिया, जिसको हम यहाँ से कंसीडर करते हैं इस वॉल के साथ। और लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा है। आगे चलते हैं, बेडरूम देखते हैं। ये कॉमन वॉशरूम है आपका, इसमें दो डोर हैं, एक तो आपका बेडरूम से भी अटैच है और एक है बाहर से भी अटैच है। इसमें वेस्टर्न वॉशिंग ये लगा हुआ है, कमोड और वॉश बेसिन है, ग्लास है, इस तरह से है। एक बेडरूम ये है, इस बेडरूम में आपका ये अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, इस तरह से। वॉशरूम में आप देखेंगे तो ठीक ठाक स्पेस है, शॉवर पॉइंट ये सामने, ये वेस्टर्न या कमोड दिया हुआ है आपका, फिर ये वार्डरोब स्पेस है, यहाँ पर वुडन वर्क कराना होगा। अच्छा, ये आपका जो लिविंग एरिया की बालकनी है वो यहाँ से भी कनेक्टेड है, अगर आप देखें तो ये वो लिविंग एरिया जो मैं आपको दिखा रहा था, और यहाँ से आप देखेंगे तो सही पता आपको दिखेगा। ये यूनिट 8 फ्लोर पर है, तो ये पहला बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है और ये तीसरा बेडरूम है, ये 3 बेडरूम हो गए। तो पहला हम लोगों ने ये वाला देख लिया, अब हम ये देखेंगे। इस बेडरूम में आने पे आप देखेंगे वुडन फ्लोरिंग है और इसके साथ अटैच बालकनी भी आपकी है। कोई रहता नहीं है तो इसका डोर कुछ गड़बड़ है। ये आपको व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए साइड पर दिख रहा है आपका, और ये वन अवध मॉल है। अगर आप लोग आए होंगे यहाँ पे तो देखेंगे सामने वन अवध मॉल का बैक साइड है, और वो सामने किसान बाजार है। और ये क्योंकि मास्टर बेडरूम जैसा है तो इसमें आप देखिए यहाँ पे वार्डरोब का काम हो रखा है, ऊपर स्टोरेज है, ये वार्डरोब का काम हो रखा है, बना हुआ है ये आपको ऐसे ही यहाँ पर मिलता है। और ये वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, अब देखेंगे तो अच्छा वॉशरूम है, बड़ा है, रोशनदान है यहाँ पे सामने, और ग्लास भी लगा हुआ है, तो अच्छा है, वॉशरूम भी अच्छा है। फिर अब हम तीसरे बेडरूम में चलते हैं, इस बेडरूम से बाहर निकलने के बाद ये तीसरा बेडरूम है आपका। तो वॉशरूम इसमें भी है बट ये कॉमन वॉशरूम के साथ अटैच किया हुआ है, देखिए। और इसमें भी वार्डरोब का वर्क हो रखा है, ये देखिए, अब इस तरह से वार्डरोब बना हुआ है, तो
तो 2 बेडरूम में आपके वार्डरोब का काम हो रखा है। यहाँ से देखिए वो पार्क भी दिख रहा है आपको, यहाँ का पार्क दिख रहा है, और पीछे ये वनवत मॉल है। तो ये विभूतिखंड का बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे देखिए स्टोरेज बना हुआ है, यहाँ पे कुछ सामान आप रख सकते हैं जो यूज़ में नहीं आता। 3 बेडरूम का एक काफ़ी अच्छा फ्लैट है, अगर आप विभूतिखंड एरिया में रहना चाहते हैं और एक अपार्टमेंट देख रहे हैं विद इन अ बजट ऑफ 1 CR, तो ये अच्छा ऑप्शन है। इसमें सर्वेंट साइज़ भी एक आता है जो थोड़ा और महंगा पड़ता है, इससे 100 स्क्वायर फीट ज़्यादा होता है वो। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ये 1 बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है, और ये तीसरा बेडरूम है, 3 बेडरूम है। और ये आपका डाइनिंग एरिया, ये लिविंग एरिया, ये आपका बालकनी है, लिविंग एरिया एसी का पॉइंट वगैरह दिया हुआ है। तो इस फ्लैट में नॉर्मली आपको थोड़ा काम कराना होगा, कहीं वार्डरोब जहाँ नहीं है बनवाने पड़ेंगे, अगर कुछ चीज़ें सही नहीं है तो उनको ठीक कराना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड यूनिट है तो इसमें बैंक फाइनेंस भी आपका हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा है ये ऑप्शन। देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, ये वाटर स्प्रिंकलर। डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। इस एरिया में जो फ्लैट की कीमत है टेंटेटिव 3 BHK, 1 करोड़ के नीचे आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी अपार्टमेंट्स यहाँ पहले के बने हुए हैं, नया तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, सारे पुराने अपार्टमेंट्स ही बने हुए हैं, तो उन सभी में अगर देखें तो ये आपका अच्छा ऑप्शन है। और इसके चारों तरफ सराउंडिंग में रोड्स भी हैं, कनेक्टेड भी, वेल कनेक्टेड है, साइकिल पथ के पास है, बगल में वनवत मॉल है, और हयात हयात आपका बगल में है, और बहुत ही कमर्शियल लोकेशन है पूरी है। तो इस एरिया में अगर आप अपार्टमेंट देख रहे हैं तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे सपोर्ट में कोई इश्यूज़ आते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उसमें भी कोई इश्यूज़ आते हैं, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज़ हमारी टीम अलग है जो प्रमोट करती है वीडियोज़ को। तो अगर आप किसी और बेसिस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को नहीं लाइक कर रहे हैं आप, या डिसलाइक बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताएं ज़रूर व्हाट इज़ द रीज़न। आप को अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही हो या हमें इम्प्रूवमेंट करनी है अपने एंड से, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। हमारे लिए आपका जो भी फीडबैक है बहुत ही वैल्यूएबल है, और हम श्योर करेंगे कि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जो भी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको पूरी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, नमस्कार।